राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखिए, आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको साड़ी कलेक्शन अपना। तो चलिए गाइस दिखाते हैं, फटाफट देर ना करते हुए आपको दिखाते हैं अपना साड़ी कलेक्शन, जो भी थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस, पहले हम सिंपल साड़ी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले प्लेन साड़ी से स्टार्ट करूंगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्लेन साड़ी पहले। तो ये देखिए गाइस, मेरी फर्स्ट साड़ी पहली। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी गाइस, और इसका मैंने 2-3 साल हो गए जब मैंने मंगाई थी इस साड़ी को गाइस। और ये एकदम बिल्कुल हल्की साड़ी है, बिल्कुल मुलायम, देख सकते हैं गाइस, इसको आप हाथ में भी पकड़ सकते हो, इतनी मुलायम है। इसको कई हीरोइनों को मैंने टीवी में पहने हुए देखा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा देखा था, फिर मीशो पे सर्च करके तो आ गई। तो गाइस, तो मैंने इसको मंगाया था और मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे कहीं गर्मी अर्मी हो, कहीं पहनने मैंने रास्ते रास्ते कहीं जा रहे हो तो इसको आराम से पहन सकते हैं, देख सकते हैं गाइस। लेकिन अब मैं इसको नहीं पहनती हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे पहनते हैं, वीडियो बनाने में काम आती है। तो चलिए गाइस, ये रही मेरी फर्स्ट साड़ी, ठीक है? तो गाइस ये देखिए मेरी दूसरी साड़ी, और ये मैंने ये भी मीशो से ऑर्डर करी थी मैंने, लेकिन नहीं, ये मीशो से नहीं है, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी। ये मैंने इसलिए ऑर्डर करी थी क्योंकि ये यहाँ पे सदा सौ भागवती भवक लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लिखा हुआ, इसलिए मैंने ऑर्डर करी थी। लेकिन साड़ी तो अच्छी है गाइस, मतलब डेली यूज के लिए कह सकते हैं। लेकिन मैंने जब फोटो में देखी थी ना, उतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन दिया आया कुछ और दिखाया कुछ और आई भी दूसरी जगह से, जहां से मंगाई थी वहां से आई नहीं थी। मैंने उस पर देखा था जब पैक होके आई थी, उस पर जैसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन आई थी मीशो से, तो इतना मतलब वो था, पता नहीं कैसे। तो देख सकते हैं गाइस, ये वैसे प्लेन साड़ी है, पर ये भी मेरे बच्चे यूज करते हैं, मैंने एक बार दो बार पहनी है बस, बच्चे वीडियो बनाने के लिए यूज करते। चलो ठीक है गाइस, ये दूसरी साड़ी मेरी। चलिए तीसरी साड़ी दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, ये है मेरी तीसरी साड़ी, और ये है येलो कलर की, और एकदम प्लेन साड़ी है, इतनी सुंदर है ये। जब कहीं हल्दी वल्दी में जाना होता तो मैं इसको पहनती हूँ गाइस, और इसमें ये ब्लू कलर का पतला सा बॉर्डर दे रखा है, मतलब थोड़ा सही है, बॉर्डर चौड़ा सा दे रखा है, क्योंकि इसका ब्लू कलर का ब्लाउज है गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, ये मैं पहनती हूँ जब कहीं हल्दी वल्दी में जाती हूँ, ये एकदम प्लेन साड़ी है, अच्छी लगती है, मतलब अच्छी है मेरी। तो इसका गाइस ये देखिए, इसका ये ब्लू कलर का ब्लाउज है, इसलिए बॉर्डर दे रखा है इसमें। तो देख सकते हैं गाइस, ये ब्लाउज ये मैंने बनाया था, ये डिजाइनिंग ब्लाउज की मैंने करी थी, और ये मैंने अभी नहीं ली, वो काफी पुरानी मेरी साड़ी है। तो देख सकते हैं गाइस, आप देखिए इसको। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको चौथी साड़ी। तो चौथी साड़ी ये देखिए गाइस, लुक एट दिस, अच्छी लग रही है ना। और ये मेरी आशी की भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है, ये मेरी फर्स्ट करवा चौथ की साड़ी है गाइस, ये यहीं से ली थी मैंने। तो देख सकते हैं गाइस, ये लाइट पिंक भी है और डार्क पिंक भी है, और इसके जो फ्लावर ना, ये देख सकते हैं गाइस, ये बहुत प्यारे लगते हैं, ये देख सकते हैं ये गाइस, इसके फ्लावर देखिए, देखना इसका कितना प्यारा लग रहा है सच में गाइस। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसकी फोटो भी बहुत सुंदर आई थी, मैंने करवा चौथ पे खिंचाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो देख सकते हैं गाइस, इसका ये बहुत प्यारी साड़ी है, ये पूरी फुल कड़ी हुई है ऐसे, देख सकते हैं गाइस, बस ये नीचे पल्लू है, और इसका ब्लाउज गाइस ये रहा। तो चलिए हो गई चौथी साड़ी, अब पांचवी साड़ी आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, मेरी पांचवी साड़ी ब्लू कलर की है, तो जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस। ये भी मैंने तीसरे दिन चौथे करवा चौथ पे खरीदी थी साइज से गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, इतनी प्यारी साड़ी है, इसका वर्क जो है ना, काफी हैवी साड़ी है, इसको पार्टी में आप आसानी से पहन सकते हो गाइस, पार्टी के लिए ये साड़ी है, और इतनी सुंदर है गाइस, पहनने के बाद फुल मेकअप वेकअप करके इतनी सुंदर लगती है, मैंने पहन बहुत सुंदर लग रही थी गाइस पहनी हुई थी। और ये गोल्डन कलर के इसमें मोतियां लगे हुए हैं, और ये कढ़ाई दे रखी है, और फुल पूरी कड़ी है, आप देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं फुल कड़ी हुई पूरी, बहुत सुंदर लग रही थी, देख सकते हैं गाइस आप, कैसी लगी आशी? बहुत अच्छी। और ये इसका गाइस ब्लाउज है, ये इसमें भी मोती वोती लगे हुए ब्लाउज में ही आए थे, और ये इसका पेटीकोट। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको छठी साड़ी। तो ये देखिए गाइस, मेरी कितनी कौन सी छठी साड़ी है, छठवी, तो सिक्स। तो ये देखिए गाइस, लुक एट दिस, ये साड़ी मेरी ऑरेंज कलर की है, ये भी मैंने पांचवे करवा चौथ पे खरीदी थी,
और गाइस मुझे सच में बहुत प्यारी लगी थी, सच में बहुत अभी भी इतनी प्यारी लगती है गाइस। आप ये पार्टी भी है साड़ी है और इसमें मोती लगे हुए हैं, आप इसको शादी में पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगती है गाइस। देख सकते हैं आप ये फुल पूरी कड़ी हुई है, देखिए आप देखिए गाइस, देखिए देख ये देखिए गाइस, इतनी यहाँ फ्लावर में भी ये क्या कहते हैं सितारे दे रखे हैं, और ये देखिए ये देखिए इतनी प्यारी है गाइस। जब कलर देखना, कलर कितना प्यारा है ना, वो ऑरेंज कलर है ना आशी, हाँ कितना प्यारा है ना, देखो अच्छी लगती है ना। तो चलिए गाइस ये हो गई मेरी छठी साड़ी मतलब सिक्स, और ये देखिए गाइस सेवंथ मतलब सातवीं साड़ी मेरी है, और ये क्या कहते हैं मेहंदी वेहंदी में आप पहन सकते हो, तो इतनी हैवी है, रखी रहती मैं पहनती नहीं हूँ ऐसे गाइस को, पर देख सकते हैं गाइस आप कितनी प्यारी साड़ी, इसको तो मैंने शायद से एक ही बार पहना होगा, कभी पहने उसके बाद से पहने नहीं, क्योंकि अनन्या के डैडी बोलते हैं मतलब हमारे पति देव जी कि मेरे को अच्छी नहीं लगती इसलिए बताओ वो मुझे ये साड़ी पहनने देते। आप कमेंट में बताओ ये साड़ी अच्छी नहीं है क्या गाइस, बताओ कितनी प्यारी साड़ी, और मुझे भी इतनी प्यारी लगती है, पता नहीं मुझे पहनने नहीं देते, कहते ये साड़ी अच्छी नहीं लगती है, ये मत पहनो। जब से मैंने लिए एक बार पहनी होगी शायद दोबारा मुझे पहननी तक दीदी, देख सकते गाइस कितनी प्यारी साड़ी लग रही मेरी और मुझे पहनने नहीं देते, बताओ। लेकिन ये आज की नहीं है, काफी पुरानी साड़ी है, तो देख सकते हैं गाइस इतनी प्यारी है। और पहले आप ये मत बोलना कमेंट में कि सारी साड़ी ये मोतियों वाली, ये बहुत काफी पुरानी साड़ियां हैं, तभी पहले इसी टाइप की चलती थी तो मैं मुझे पसंद था इसी टाइप के लेना, लेकिन अब तो नया डिजाइन आ गया है ना, तो अभी वाली भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस देखिए गाइस, एक मेरे पास ये साड़ी है, और ये मेरे यहाँ हुआ था जागरण, हुआ था जब मैंने वो घर लिया था एक छोटा सा, तब जागरण हुआ था तब मैंने खरीदी थी इसको, ली थी मैंने, तो देख सकते हैं गाइस ये स्टोन नहीं है, ये मोती भी नहीं है, ये ऐसे कढ़ाई है, ये यहाँ पे सिर्फ मोती, वो मोती नहीं है वैसे स्टोन से लगे हुए मोती नहीं है, लेकिन ये गाजरी कलर की गाइस इतनी प्यारी साड़ी सच बता रही हूँ, देख सकते हैं आप इतनी प्यारी है ना शी, हाँ बहुत प्यारी साड़ी, मुझे ये सच में बहुत गाइस इतनी प्यारी लगती है, इसको जरूरी नहीं है कि आप कहीं शादी वादी कुछ तिलक विलक या कुछ गोदी वोदी किसी मतलब सगाई बगाई सगाई अगर उसमें भी डाल सकते हैं, बहुत प्यारी साड़ी लगती है। ये मैंने अपने बाबू के मुंडन में पहनी थी, जब मेरे बाबू का मुंडन हुआ था तो हम लोग मंदिर गए थे तो हमने ये वाली साड़ी पहनी थी, देख सकते हैं गाइस कमेंट में बताना। चलो ठीक है गाइस, तो ये देखिए गाइस ये भी एक साड़ी है, आप तो हंस रहे होगे, आप देखोगे तो आप सोचोगे इसके पास सारी साड़ी ऐसी है क्या, लेकिन सच में गाइस मुझे पहले ना ऐसी हैवी साड़ी मतलब करवा चौथ पे ये शादी वादी में बहुत पसंद थी गाइस, लेकिन ये ऐसे मैं सोचना ये आती भी बहुत महंगी साड़ियां हैं गाइस, इसमें काम बहुत ढेर सारा हो रखा होता है ना इसलिए बहुत महंगी आती हैं, देख सकते हैं गाइस इतनी प्यारी साड़ी है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है सच में गाइस, ये गोल्डन कलर है इसका, और ये देखिए इसकी डिजाइन, इसका लुक, इसकी कढ़ाई, इसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं, चुन्नट लगा के भी डाल सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है सच में गाइस, तो देख सकते हैं आप गाइस कितनी प्यारी साड़ी है, सी कैसी लग रही है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी है ना, हाँ देख सकते हैं गाइस, देखो ये किनारे किनारे बीच में प्लेन है, किनारे किनारे डिजाइन है इसकी, देखिए बहुत प्यारी है, तो चलिए गाइस दिखाते हैं, और ये इसका ब्लाउज है गाइस, और इसमें देख सकते हैं मैंने फुल स्लीव बनाया था, और ये इसमें ये लटकन लगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और इसके पीछे मैंने लगाई इसका ब्लाउज इस कलर का एकदम प्लेन, तो चलो ठीक है। चलिए गाइस लास्ट साड़ी बची है मैं आपको दिखा के, चलो जी फटाफट दिखाते हैं, हम भी बैठ गर्मी में पंखा हमने बंद कर रखा क्योंकि पंखा चलाते हैं ना गाइस, तो फिर उसकी पंखे की आवाज वीडियो में वो रुर आती है, इसलिए मैं बंद कर रखा गर्मी में बैठी हुई हूँ। चलो चलो गाइस लास्ट साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए गाइस ये मेरी मतलब ये लगा लो फेवरेट साड़ी थी, लेकिन मेरी किसी काम की नहीं गाइस, ये मैंने अभी शादी में मैंने यही पहनी थी वहां पहनने के लिए, हमारे साथ तो पोपटी हो गया गाइस, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं फ्रिल वाली साड़ी लूंगी, फ्रिल वाली तो मैंने इनसे बोला कि फ्रिल वाली साड़ी दिला दो,
ये बोलते कैसी होती फ्रिल, मतलब कोई बात नहीं ये वो, मैंने बोला नहीं मेरे को वही चाहिए। फिर मैं गई अपने एक नंबर, तो गाइस देखिए साड़ी तो बहुत सुंदर है, देखिए फिर ये मैं साड़ी लाई, ये देखिए गाइस यहाँ से इसमें चुन्नट बनी हुई आती है गाइस, देखिए आप ये देखिए ये देखिए गाइस ये चुन्नट यहाँ से हमारी बनी हुई है, और ये क्या कहते हैं ये पल्लू है इसका, देख सकते हैं गाइस आप, ये इसका पल्लू है, यहाँ फ्लावर फ्लावर बना हुआ है, और मुझे इसको देखते ही बहुत पसंद आ गई, मैंने कहा यही लूंगी मैं, इतनी सुंदर है ये, तो मैं यहाँ लेके घर पे आ गई। फिर क्या कहते हैं मैंने कहा एक बार डाल के देख लेती हूँ कैसी लगती है, उसके बाद शादी में पहनूंगी। तो गाइस ये देखिए इसका पल्लू सच में गाय इतना छोटा, हाँ देख सकते हैं ये देखिए इतना है इसका पल्लू, इतना छोटा गाइस। और हमारे गांव यूपी में पड़ता है, वहां पे मुझे करना पड़ता है घूंघट, तो आप बताइए गाइस इसमें मैं घूंघट कैसे करती, ऐसे घूंघट करती तो मेरा पीछे दिखता, अगर मैं ऐसे घूंघट करती तो पूरा नीचे मेरे साथ हो गया पोपट, और अनन्या के डैडी मतलब हस्बैंड जी बोल रहे और ले लो फ्रिल वाली साड़ी, फ्रिल वाली साड़ी कर करके। और ये मेरे को साड़ी दे रहे थे कितने की, 2500 रुपए मांग रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने 1500 की दी थी गाइस ये मेरे को साड़ी। तो देखिएगा 1500 का मेरे नुकसान हो गया, उसके बाद मैं साड़ी भी दिखाई ना बनारसी वाली, उसके बाद तब मजबूरी में वो साड़ी लाई थी। वैसे मैंने ये भी प्लेन, मैंने कहा था कोई बात नहीं प्लेन है बाबू को चुभेगी नहीं, तो मैंने यही ले लू। तो गाइस हमारे साथ हो गया पोपट। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यही था, आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलिए आज के लिए बाय बाय। देखिए गाइस ये है मेरी कौन सी छठी सातवीं आठवीं साड़ी, तो ये देखिए गाइस इस साड़ी मैंने अभी ली थी, मैंने बहुत टाइम से देखा बनारसी साड़ी बहुत चल रही थी तो मेरा ये मन था काफी टाइम से कि मैं मतलब बनारसी साड़ी खरीदूं। वैसे मेरे पास इतनी साड़ी वो वैसे पड़ी थी ना क्या कहते हैं मोतियों वाली, तो मैंने कहा इस बार मैं कुछ सिंपल सा लूंगी, मोतियों वाली साड़ी नहीं लूंगी, क्योंकि पहले से बहुत सारी रखी हुई है मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब शादी वादी जाती हूँ तो पहनती हूँ, तो मैंने इस बार प्लेन साड़ी खरीदी। अभी भांजे की शादी थी तो हम लोग गाँव गए हुए थे, तो हमने ये साड़ी फिर खरीदी थी, हमने कहा कि चलो इस बार प्लेन ले लेते हैं, बहुत साड़ी वैसे पहन ली साड़ी हैवी वाली, और मेरा बेटा भी छोटा है तो मैंने कहा उसको चुभेगी, तो इसलिए मैंने ये साड़ी प्लेन ली थी। ये गाजरी कलर की है और ये छोटे छोटे इसमें फ्लावर बन रखे हैं, बहुत सुंदर लगती है गाइस। और ये इसका देख सकते हैं ये इसका बॉर्डर है ब्लू कलर का, बहुत जब मैंने पहनी थी बहुत प्यारा लग रहा था, शायद आपने ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा जरूर जाके देखना, लेकिन इस साड़ी का ब्लॉग नहीं है क्योंकि काफी रात हो गई थी तो वहां पे लाइट वाइट नहीं थी, तो ये साड़ी जब मैंने पहनी थी उस टाइम लाइट नहीं थी तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी गाइस, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर है गाइस। ये मैंने अपने यहाँ से यहीं से ली थी और ये 2024 की अब लेटेस्ट साड़ी मान लो सकते हो आप इसको। और ये मैंने क्यों ली थी मैं आपको बताती हूँ, मैंने साड़ी तो कोई और ली थी पहनने के लिए शादी में, लेकिन मेरे साथ हो गया था पोपट, इसलिए ये मजबूरी मुझे साड़ी लेनी पड़ी, लेकिन सच में गाइस ये साड़ी बहुत सुंदर लगी मुझे। तो चलिए दिखाते हैं जिसके साथ मेरा पोपट हुआ था।